फैमिली, उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। और करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़ एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो जिंदगियों की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं हो जाते, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अपने हल्के फुल्के अंदाज से बात करते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए, ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। इस खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। आज चूँकि संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा बाहर निकला जाए। तो जब मैं अपनी गली के एंड तक पहुंची तो मैंने देखा कुछ जगलर जगलिंग कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसके गिर्द जमा थे। एक्चुअली मालूम करने में पता लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो जगलर्स हैं ये सिटी सिटी जाते हैं ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट दे सकें, एंटरटेन कर सकें, ख़ास तौर पे बच्चों को जो इस वायरस की वजह से घरों पे काफ़ी अरसा रहे हैं और उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी नहीं है जो पहले की तरह थी कि बच्चे बाहर आसानी से खेलें या कूदें इस तरह से। तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर इनकी एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इन जगलर्स का अरेंज किया था जो गली गली जाते हैं और इस तरह से करतब दिखाते हैं और जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप देखेंगे साइड पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे खड़े हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट्स के कुछ एहलकार भी थे जो इनके साथ साथ चल रहे थे ताकि कोई इनको कुछ ऐसी कोई शरारत ना करे। और आप ये काफ़ी लोग यहाँ पे कैफ़े था और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे थे, वो भी इस इंटरटेनमेंट यानी उनके लिए भी ये इंटरटेनमेंट थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इतने अच्छे हल्के फुल्के अंदाज से ये अपने कर्तव्य दिखा रहे थे कि सब लोग उनकी तरफ मतवज्जा भी थे और मज़ा भी और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम सब इसको देख के। और इन जगलर की अच्छी खासी किस्म की ट्रेनिंग थी। आप ये देखेंगे उसने कोई चीज़ अपने पाँव के साथ अटैच की हुई है जिसकी वजह से वो चल रहा था और साथ में बच्चे इतना खुश हो रहे थे उसको देख के और इस बच्चों की वजह से उनके पेरेंट्स इतने खुश हो रहे थे कि बच्चों को खुश देख के। और वो स्पेशली जब कोई छोटा बच्चा होता था तो उसको स्पेशली उसका नाम लेके उसको बुलाते थे ताकि वो खुश हो और डिफरेंट तरीके से वो उनको इंटरटेन कर रहे थे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नॉर्मल जो संडे का दिन होता है ना वो मोस्टली वो एक ऐसा दिन होता है जब पूरी फैमिली घर पे मौजूद होती है और ऐसे दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं या वर्किंग वूमेन हैं जो भी हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर अपने लिए निकालें जिसमें अपनी फैमिली से मिलें या बाहर जाएं अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें ताकि बच्चे भी एक इस चीज़ को महसूस कर सकें, इंजॉय कर सकें। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कल उनके लिए भी आपके लिए टाइम निकालना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, जिनके बच्चों को लेकर बाहर जाएँ, खुद भी इंजॉय करें, उनके साथ खेलें और वो भी आपके साथ इंजॉय करें। और फिर एक खूबसूरत सी बात के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगी। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। तो अपने अल्फाज को अदा करते हुए गौर कीजिएगा कि आप क्या कहते हैं। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। क्या आपको क्या लगता है? क्या आपको जिस खाने के लिए